हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोर कटिंग के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था यूट्यूब पर अपने, इसमें एक बीम थी, बीम को ब्रेक करके उसमें से कुछ पाइप्स रन किए गए थे। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये हार्मफुल है या नहीं है, कैसे करना चाहिए या नहीं। तो बहुत से लोगों ने रिप्लाई किया था उसके ऊपर कि इट इज़ वेरी हार्मफुल और ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए साइड पर। तो इसी के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि कोर कटिंग क्या होता है, स्लीव्स क्या होते हैं, पीवीसी पाइप्स कैसे लगाते हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कोर कट क्या होता है। तो कोर कट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंक्रीट सरफेस के अंदर या किसी भी मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर में से या नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर से हम जब कोई सैम्पल या पीस काट कर निकालते हैं उसके अंदर से विदाउट डैमेजिंग द एंटायर स्ट्रक्चर और द मेंबर, तो हम उसे कोर कटिंग बोलते हैं। कोर कटिंग वर्ड आपने बहुत पहले जब आप स्टडी कर रहे होगे, आप सिविल इंजीनियरिंग के टाइम पे आपने सुना होगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर हम कोर कटर टेस्ट करते थे सॉइल की डेंसिटी निकालने के लिए। तो उसमें बेसिकली हम यही करते थे कि एक मेटल सिलेंडर होता था, हम उसे सॉइल में डालते थे, फिर जब हम वो सिलेंडर को बाहर निकालते थे तो एक सर्व पूरा एक बोलते थे ना कोर सॉइल का पूरा बाहर आ जाता था विदाउट एनी डैमेज टू द नियर बाय सॉइल। तो सेम चीज़ हम कंक्रीट में भी करते हैं। तो कंक्रीट में हम कब करते हैं, जब हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालनी होती है। तो बेसिकली हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे जज करते हैं, थ्रू द क्यूब स्ट्रेंथ। हम क्या करते हैं, क्यूब कास्ट करते हैं कंक्रीट के, तीन से लेके मतलब तीन क्यूब होते हैं, सैंपल होते हैं उसके तीन चार, तो हम वो टेस्ट करके उसकी जो स्ट्रेंथ आती है उसको हम रिलेट करते हैं जो एक्चुअल मेम्बर होता है उसकी स्ट्रेंथ से। तो बट कभी कभी क्या होता है, आपने क्यूब तो कास्ट कर लिए, क्यूब आपने टेस्ट कर लिए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट फेल हो जाता है। अगर M40 का कंक्रीट है तो शायद M40 की स्ट्रेंथ नहीं आ रही होगी आपके पास। या ऐसा भी हो सकता है आप क्यूब्स मिस कर दिए या आपने क्यूब रजिस्टर्स मिस कर दिए जिसमें आप रिकॉर्ड करते थे। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप अभी ये तो नहीं कह सकते कि मेरा कॉलम या कोई भी मेंबर फेल हो गया है। तो अब उतना जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते, जो डेवलपर्स होते, वो इतना लॉस नहीं बेयर कर सकते। तो उस केस में उनको जाना पड़ता है NDT टेस्टिंग के लिए। NDT टेस्टिंग मतलब आपने सुना रहेगा, रिबाउंड हैमर टेस्ट और पल्स वेलोसिटी टेस्ट। वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि NDT टेस्ट कभी कभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आपके पास एक फाइनल ऑप्शन होता है कि आप कॉन्क्रीट में से कोर निकाल सकते हो। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक डायमंड का बिट होता है सिलेंड्रिकल शेप में, वो कॉन्क्रीट को काटते हुए अंदर जाता है और पूरा के पूरा कोर को बाहर निकालता है। तो उसी कोर को आप क्या करोगे, लैब में जाके टेस्ट करोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्चुअल मेंबर। तो इसमें क्या होता है, आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर रहे हो, कंक्रीट को ब्रेक कर रहे हो। तो सिमिलरली जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में फोटो दिखाया था आपको कि पाइप बीम में से जा रहा है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, इसकी बीम की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। कभी 1 मीटर की होती है एक बीम, कभी 600 mm डेप्थ की बीम होती है। और उसके बाद में फायर फाइटिंग के पाइप रन करते हैं नीचे से, और प्लस हो सकता है वहाँ पे सॉइल का वेस्ट वाटर का पाइप से रन करना है आपको। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बीम के बॉटम से नीचे से जाओगे पाइप को लेके। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो टोटल क्लियरेंस होगा, हाइट क्लियरेंस, वो काफ़ी कम हो जाएगा और बहुत गंदा भी दिखेगा वो पाइप्स वगैरह जब नीचे से जाएगा। तो आप बेसिकली क्या करोगे कि पाइप्स को थोड़ा बीम के ऊपर से रन करोगे और फॉल्स सीलिंग लगा के क्लोज कर दोगे। तो बीम के अंदर से आप कैसे लेकर जाओगे, आपको बीम कास्ट होने के बाद तोड़कर तो लेके जाना नहीं होगा, ये सरासर गलत तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट डालने से पहले, स्लैब कास्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप हम लेंगे फॉर ऑल दी यू नो वेस्ट वाटर का, डोमेस्टिक वाटर का, हर एक के लिए हम पीवीसी पाइप लेते हैं। और अगर फायर फाइटिंग का होगा तो हम GI का पाइप लेते हैं। तो इसको हम काट कर क्या करेंगे, बीम का जो विड्थ होता है, अगर 200 mm का बीम होगा तो 200 mm विड्थ के हिसाब से हम पाइप काटेंगे और बीम के अंदर फिक्स कर देंगे रिइंफोर्समेंट के बीच में, जहाँ पर हमें वो उस पाइप को हमें लगाना होगा, जो हमारा लोकेशन होगा पाइप का। सो गाइस, उसमें क्या होगा, जब आप प्लेस कर दोगे वहाँ पे, जब शटरिंग खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक कैविटी दिखेगी, होल दिखेगा, तो आप उसमें से पाइप को रन कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम कब आ जाती है, सपोज़ आपने स्लीव लगाना भूल गया, वहाँ पर आपने चेक नहीं किया, या फिर किसी कारण वो स्लीव मिस हो जाती है जगह से, उसको बीम फेस से लेके मतलब
उसे 200 mm डिस्टेंस पे ही होना चाहिए था, लेकिन वो 300 mm पे चली जाती है। तो अब आपका पाइप जो होगा वो क्रॉस होके तो जाएगा नहीं, उन सर्टेन स्लोप पे रखना होता है पाइप को, डायरेक्शन भी उसको मेंटेन करना होता है। तो उस केस में क्या करोगे आप, बीम तो तोड़ के नहीं जाओगे राइट, तो उस केस में क्या करते हैं आप, कोर कटिंग करते हैं। तो अब मैं बता दूं आपको कोर कटिंग हार्मफुल क्यों होती है। मोस्टली क्या होता है, जो पाइप रन करते हैं वो बीम के साइड से रन करते हैं, फिर किसी भी कॉर्नर से रन करते हैं। सेंटर में आपने कभी देखा नहीं होगा स्लैब के बीच में से कोई पाइप जा रहा है, तो हमेशा वो सेंटर से लाइन से नहीं जाएगी, वो कॉर्नर से रन करते हैं। तो कॉर्नर से रन करते हुए जो बीम का सपोर्ट एरिया रहता है, जो बीम के सपोर्ट होते हैं, वहाँ पर मोस्टली वो पाइप्स आ जाते हैं। अब अगर आप स्लीप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो, तो स्लीप प्रोवाइड करने का तरीका ये होता है कि जो स्टिरप्स होता है उसको हम पाइप को स्टिरप से बांध देते हैं, और क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा स्टील डायगनल डायरेक्शन में ऊपर नीचे प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो कॉम्पेंसेट करता है वो जो एक्स्ट्रा स्टील होता है, जो कॉन्क्रीट रेड्यूस हो गया उतने एरिया में, उसको कॉम्पेंसेट करता है, ताकि किसी भी तरह का शेयर क्रैक्स नहीं आना चाहिए। अब आपकी स्लीव मिस हो गई, ऑलरेडी वहाँ पर होल है, तो अभी आपको क्या करना है, कोर कट करना है वहाँ पे। तो आप ऑलरेडी वहाँ पे इतना ज़्यादा शेयर फोर्स होता है वहाँ पे बीम का, और सबसे ज़्यादा तो कब कहाँ होता है, फ्रॉम द सपोर्ट जो डिस्टेंस डी होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होता है। और उसी जगह पर आप कोर कट और एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कॉन्क्रीट पूरा कट के बाहर निकल रहा है, स्टील कट जा रहा है, वर्टिकल स्टिरप्स जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होती है वो कट कर बाहर निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका बीम शेयर में फेल हो सकता है, भले ही आपने स्टील एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है, लेकिन इन फ्यूचर होगा उसके अंदर श्रिंकेज क्रैक्स आने लगेंगे, शेयर क्रैक्स आने लगेंगे, तो वो उतना स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाएगा, तो चांसेस होगा कि ये फेल हो जाएगा। तो फिर भी हम क्यों करते हैं ये, तो अभी क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, मतलब ये हमें स्टार्टिंग में जब स्लैब कास्ट होता है उसके पहले हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है विद द MEP कॉन्ट्रैक्टर और द सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर होगा तो जो स्लीव्स होंगी वो मिस नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, मोस्टली अभी वो हम सिस्टम अवॉइड करते थे हम लोग, और क्या करते हैं हम लोग, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसी को स्लीव प्लेस करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ताकि इसमें जो मिस मतलब बोलते हैं ना चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक वो कम हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली चेक करना है कि स्लैब कास्ट करने से पहले आपकी स्लीव्स प्रॉपर लोकेशन पे हो, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, प्रॉपरली टाई की गई है या नहीं है, प्रॉपर विड्थ की है या नहीं है। अब मिस्टेक कैसे होगी, आपने अगर प्रॉपर टाई नहीं किया है तो कॉन्क्रीट का वेट इतना ज़्यादा होता है कास्टिंग के टाइम पर, और वो PVC की स्लीव है वो कहीं भी मिस शिफ्ट हो जाएगी वो, तो वो आपको ध्यान देना है। प्लस आपको विड्थ बराबर काटनी है और उसको प्लास्टिक से कवर करना दोनों साइड से, वरना कास्टिंग के टाइम पर अगर विड्थ कम रहेगी तो वो कॉन्क्रीट उसके अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, बाद में शायद आपको ढूंढने के लिए, खोलने के बाद आप ढूंढने जाओगे किधर गई वो स्लीप, तो आपको दिखेगी नहीं, तो इसलिए आपको विड्थ प्रॉपर मेंटेन करनी होगी। सो गाइस, फिर भी हमें नहीं करना चाहिए स्कोर कटिंग वगैरह, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल कंसलटेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट 1 कोर कट अलाउ कर देते हैं कभी कभी, वो भी एकदम अनअवॉइडेबल रहेगा। तो सो गाइस, कभी भी आपके साइड पर आपको कोर कट करना हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कब करना है, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही आपको कोर कट की तरह प्रोसीड करना है, वरना आपको प्रिवेंटिव मेजर स्लैब कास्टिंग के पहले ही रहना चाहिए। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोर कट करना कितना हार्मफुल होता है स्ट्रक्चर्स के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर यू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज चेंजेस व्हेन यू आर वर्किंग ऑन साइट, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।